Hello, good morning students. Welcome to Learn India Video YouTube platform which is running by Alcaro Career Institute. बेटा स्वागत है आपका आज फिर एक नई क्लास में जिसमें आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में. इससे पहले के वीडियोस में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं या उसको कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. आप सभी जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस में, आप ध्यान से देखें, रेडॉक्स रिएक्शंस दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होती है. रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है ये दो रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होती है. रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस. तो रेडॉक्स जो रिएक्शंस होती है ये एक वर्ड से बनी होती है, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स. अब रेडॉक्स जो वर्ड है ये दो रिएक्शन से बना हुआ है. इसमें हम ले सकते हैं, एक तो होता है रेड, रेड, और एक होता है इसमें ओएक्स. तो ये तो होता है, इस वर्ड का फुल मीनिंग होता है रिडक्शन, और इस वर्ड का फुल मीनिंग होता है ऑक्सीडेशन. तो ठीक है बेटा, आइए अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में. रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? तो रेडॉक्स जो वर्ड है, ठीक है, रेडॉक्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. हम कह सकते हैं कि रिडक्शन, रिडक्शन प्रोसेस का रेड लिया हुआ है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस का ऑक्स लिया हुआ है, दोनों को मिलाकर हमने रेडॉक्स एक वर्ड बनाया हुआ है, ठीक है. तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस या दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियस होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है. तो हम कह सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अकर्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, ऐसी रिएक्शंस, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, इनको हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस. इनको हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है. चलिए, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी होता है उनको हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं. अब आपको इससे पहले ये समझ में आना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है. हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होंगी और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होंगी. आइए चलिए देखते हैं इसको. तो बेटा हम बात करें यहां कंपैरेटिव स्टडी के बारे में. कंपैरेटिव स्टडी, हम बात करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, दोनों को शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं. रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इन शॉर्ट एक समरी के फॉर्म में हम समझ सकते हैं. देखिए, रिडक्शन का मतलब होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब किसी एलिमेंट में ऐड होता है तो वो रिडक्शन में आता है. तो हाइड्रोजन का जो एडिशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन है. और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है. इसी तरह ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीजन का जो एडिशन है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीजन का जो रिमूवल है उसको हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है. इसी तरह हम बात करें, इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव होते हैं, जब किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे. जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होना, मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे सोडियम मेटल में से आप एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हो तो Na+1 बनता है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है. दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, माइनस बाहर हो जाना, तो ये ऑक्सीडेशन होता है. और इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए,
मान लीजिए फ्लोरीन में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो इससे बन जाएगा F-1, तो ये रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना जिससे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये ऑक्सीडेशन है। तो इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना भी ऑक्सीडेशन है और पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना कैसे? मान लीजिए ये एम कोई मेटल है, आप इसमें थोड़ी एनर्जी देकर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो M+1 बनता है, ठीक है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो M+1 बना। M+1 को थोड़ी सी एनर्जी और दे, हम इस M+1 को थोड़ी एनर्जी आप और दे दें, इसको एनर्जी दे तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव हो जाएगा और M+2 बन जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना कहलाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना क्या हो जाएगा? रिडक्शन। कैसे? आप Na+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये बना लेगा Na न्यूट्रल, तो पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, जीरो हो गया, न्यूट्रल हो गया। या फिर मैं कहूं उल्टा सिस्टम कर दो, M+2 में जैसे आप M+2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M+1 में, एक इलेक्ट्रॉन आते ही, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना ये होता है रिडक्शन। क्लियर है बेटा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कौन सा चार्ज इंक्रीज होता है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ऐड होने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो यहां पर हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना कहलाएगा रिडक्शन, और नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना, नेगेटिव चार्ज अपोजिट कर दो जो रिडक्शन में है, ऑक्सीडेशन जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो नेगेटिव चार्ज का इंक्रीज होना अगर रिडक्शन है तो नेगेटिव चार्ज का डिक्रीज होना क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बेटा ये होता है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक बेसिक डिफरेंस, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में आप हाइड्रोजन ऐड करते हो, ऑक्सीडेशन में रिमूव करते हो। ऑक्सीडेशन में आप ऑक्सीजन ऐड करते हो तो रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव करते हो। रिडक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ऑक्सीडेशन में तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। इसी तरह रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो इसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है, जबकि ऑक्सीडेशन में नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बीच में। चलिए अब हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होंगे, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? उन रिएक्शंस को आप कह सकते हो रेडॉक्स रिएक्शंस। चलिए आइए इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहां पे CuO+H2, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में आपने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करवाई है, ठीक है। तो इसके लिए आप स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर यूज करते हैं। चलिए अब CuO+H2 की अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो होना क्या है, यहां से ये ऑक्सीजन यहां पे हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा Cu+H2O। अब आपको समझना पड़ेगा कि रेडॉक्स का एग्जांपल क्यों है, रेडॉक्स रिएक्शन इसमें कैसे हो रही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। चलिए देखें, CuO से आपने बनाया है Cu, ठीक है, और H2 से आपने बनाया है H2O। CuO से आपने बनाया है Cu और H2 से बनाया है H2O। तो CuO को आप अच्छे से चेक करें, जब ऑक्सीजन साथ था तो ऑक्सीजन पे आपको याद होना चाहिए जनरली -2 चार्ज होता है, और इसके साथ अगर कॉपर जुड़ा हुआ है तो कॉपर पे कितना चार्ज आ जाएगा? +2 चार्ज। तो कॉपर पे यहाँ +2 चार्ज है, और जब ये यहाँ जाता है कॉपर तो अकेले एटम पर चार्ज जीरो होता है। जब भी कोई एटम अकेला होता है तो उस पर चार्ज जीरो होता है, मतलब +2 से जीरो चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ। पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना भी थोड़ी देर पहले देखिए हमने देखा है, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना +2 से +1 या +1 से 0 में आना सीधा, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना कहलाएगा आपका रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका +2 Cu+2 से Cu0 में आया, मतलब यहाँ पे हुआ इसमें रिडक्शन, ये हो रहा है आपका रिडक्शन, ठीक है बेटा। इसी तरह H2, दोनों हाइड्रोजन जब सिमिलर है, देखो जब दोनों एटम सिमिलर है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, मतलब पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज जीरो रहेगा, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो H2 मॉलिक्यूल पे चार्ज जो है इस वक्त वो जीरो है, पर जैसे ही H2 से ये H2O में कन्वर्ट हुआ तो H2O में कौन आ गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे -2 है तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1। अच्छा, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो दोनों हाइड्रोजन पे टोटल मिलाकर +2 होगा, तो एक ऑक्सीजन पे +1 होगा, तो H2 जीरो से बन गया
प्लस वन। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का डिक्रीज होना तो रिडक्शन है और पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना क्या है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। तो ये एग्जांपल आपका ऐसा है जिसमें रिडक्शन भी हुआ है और जिसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो ये रिएक्शन आपके रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल होती है, ठीक है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, वो आपके रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल होती है। चलिए हम एक नया एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम बात करें जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ, तो इससे क्या बनता है, आपको पता है जिंक या कॉपर को डिस्प्लेस करता है, जिंक मोस्ट एक्टिव है देन कॉपर, तो यहां बनता है आपका ZnSO4 प्लस Cu। चलिए अब हम बात करें यहां कि Zn से आपने बनाया है ZnSO4, एक्चुअली Zn अकेला एटम है, जीरो चार्ज है, जबकि यहां सल्फेट पर माइनस टू है, तो Zn पे आ गया आपका प्लस टू, तो प्लस चार्ज कर इंक्रीज होना, जिंक पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और CuSO4 कॉपर सल्फेट से आपका Cu में कन्वर्ट होना, अकेले एटम पे चार्ज जीरो और यहां सल्फेट पर माइनस टू तो कॉपर पर प्लस टू, तो यहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, इसको कहेंगे हम रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होती हैं, वो आपके रेडॉक्स रिएक्शंस का एग्जांपल होती हैं, क्लियर है। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस एक साथ होंगी, तो ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। अगर किसी रिएक्शन में ओनली रिडक्शन होता है तो वो रेडॉक्स नहीं है, अगर किसी रिएक्शन में ओनली ऑक्सीडेशन होता है तो वो रेडॉक्स का एग्जांपल नहीं होती है। किसी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन को रेडॉक्स होने की बिल्कुल मस्ट कंडीशन ये है कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होने चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए और टॉपिक्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए, रिवीजन कीजिए और इनको शेयर कीजिए। थैंक यू।